और डोनेट भी कर सकते हैं इस पे। या यू कैन डोनेट, अगर किसी को डोनेट करना है तो इस पे डोनेट कर सकते हैं। समबडी वांट टू पे मनी है ना। हाँ राइट राइट, यू कैन डोनेट और पे फॉर नेचर। वेरी गुड, थैंक यू। सो सर आप लीड कर। ओके, तमिलनाडु सेलम सिटी। गुड, फिफ्थ टाइम आई एम गोइंग टू ले। ले ले बाय साइकिल। बाय साइकिल, गुड। विद इनके साथ? हां या दिस आर जूनियर्स। दे आर जूनियर्स, वी आर कॉमन कैट। गुड यार, पहुंच गया, पहुंच गया। थैंक यू जी, पहुंच गया। थैंक यू। 200 किलोमीटर पर आवर आता है। से ये दो रास्ते हैं, ये जो सीधे आप बढ़िया सा रोड देख रहे हैं ये है रोहतांग पास के लिए, और एक नीचे से ये रास्ता जा रहा है, तो ये जा रहा है गाजा के लिए। तो गाजा का रास्ता तो गजब है, है ना? गाजा, यस, गाजा का जो रास्ता है वो तो गजब है। तो गाजा का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन ये जो रास्ता है ये रोहतांग पास है, और यहाँ से रोहतांग पास 15 किलोमीटर है समथिंग बस। और रोहतांग पास का सीन तो अभी ऐसा चल रहा है कि आपको एक दो दिन पहले बुकिंग करनी पड़ती है, और जाइए और तुरंत घूम के आ जाइए बस। लेकिन ये काजा का रास्ता है, ये अच्छा है, मस्त है। तो हम काजा के रास्ते पे हैं। हम पहुंच गए हैं सिसु, और आप देखो सिसु लेक। लेक किधर है? इधर। अच्छा लेक थोड़ी है, तो नदी आ रही है। अच्छा ये देखो, ये सिसु लेक है, एक्चुअली नदी कहूँगा मैं। और ये देखो अब जिप लाइन हो रही है, ये जिप लाइन कर रहे हैं लोग। नदी को क्रॉस करके और यहाँ से करा रहे हैं, यहाँ से पूछते हैं कितना चार्ज कर रहे हैं। भैया कितना चार्ज कर रहे हैं? 200। क्या सही है, 200 चार्ज कर रहे हैं यहाँ से। मैंने कल किया था वहाँ पे, क्या बोलते हैं, कौन सा ये था, अरे यार, जो वाटरफॉल है जोगनी वाटरफॉल की तरफ किया था मैंने 200 रुपये में, वहाँ 300 रुपये लेते हैं, वहाँ आने का भी उधर से है। भाई सिर्फ आना जाना दोनों 200 रुपये में ना, कि खाली? ओके, लेके आप छोड़ देते हो, ठीक है। तो लेट्स, मैं भी ट्राई करता हूँ यहाँ पे एक बार, तो है ना। तो ये भाई साहब का जो है जिप लाइन है, क्या नाम है सर आपका? राहुल भाई का जिप लाइन है, लॉन्गेस्ट है, मतलब यहाँ पे जितने भी हैं सारे लॉन्गेस्ट ही लिखा हुआ है, सबने तो लॉन्गेस्ट ही लिखा हुआ है, तो सारे लॉन्गेस्ट ही हैं। इसके आगे और भी है कि ये लास्ट है? ये जिप लाइन एक्टिविटी इशू नहीं है। अच्छा, इशू नहीं है, लास्ट है ये, लास्ट है, और सिर्फ 200 रुपये में है, तो ज़्यादा नहीं है, अपन आगे कर सकते हैं ना, ठीक है। अभी मैं करूँगा, ये पूरा सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। ये पूरा सेफ्टी, भाई टूटा उठता तो नहीं है यहाँ पे? अभी तक कोई हादसे वादसे नहीं हुए ना?
सेफ है। हाँ, सेफ है। तो ये ऐसे बेल्ट बांधते हैं। पूरा टाइट। हालत खराब हो रही है। तो मैं लॉन्गेस्ट जिप लाइन के लिए तैयार हूँ। जाऊँ? यस। मैं मोबाइल ऑन रखूंगा तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर मेरा मोबाइल गिरा यहाँ से तो फिर पानी में फिर सारे ब्लॉग गए मेरे। पक्का नहीं गिरेगा ना भाई मोबाइल? मतलब नहीं ना। और कुछ पकड़ना भी होगा मुझे? ये पकड़ना बस। ओके तो जा सकता हूँ अभी? आई एम रेडी। थैंक यू यार। क्या करना है? कुछ पैर ऊपर के ऊपर से वापस जाने का क्या? ऊपर से? अच्छा वापसी के लिए ऊपर से। थैंक यू यार। थोड़ी सी तो लगी है मुझे। बेस्ट एक्सपीरियंस। इधर से जाके कहाँ वाला? तो वापसी मेरी ऊपर से है। यहाँ से पास में ही है। तू है तो मुझे मजा आ रहा है। मजा। मोबाइल छूटने का डर होता है बस। बाकी तो इतना डर नहीं है, मोबाइल छूटने का डर है। देखो भाई अपने जा रहे हैं। भाई जा रहा है। भाई कितना मीटर है ये? 350। ये 350 मीटर है? 350 मीटर है भाई। और रास्ते में फंस गए तो? नहीं, फंसे का कोई मतलब नहीं। मतलब ही नहीं बनता। और फंस भी जाएगा तो हम आएंगे लेने। अच्छा आप लेने आओगे? और पैर नीचे टच हो, क्योंकि नीचे तो टच तो हो रहा है ना। टच नहीं होता इस तरफ करके जाना। अगर नीचे पैर हमारा हो गया तो टच होगा? फिर भी नहीं होगा। फिर भी नहीं होगा ना। चलो मस्त है यार। गया भाई, पहुंच गया। मैं एक मिनट जी, तो मैं जा रहा हूँ जिप लाइन करने। बैठ गया। ओके सिर दूर रखना अपने। सिर दूर, पैर इस तरफ कभी जाना। हाँ ओके डन। पहुंच गया।
थैंक यू जी, पहुंच गया। थैंक यू। 200 किलोमीटर पर आवर आता है ये। अच्छा 200 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से आता है। दस सेकंड में। वाह, बेस्ट एक्सपीरियंस। ये बच्चे भी जा रहे हैं। 10 महीने के बच्चे जाते हैं। ये तो आपने बहुत बड़ा बोल दिया। ये तो अकेले ही निकल जाएगी। ये अकेले निकल जाएंगे। 10 महीने का बेटा हूँ। 10 महीने भी तो। लेकिन डर तो लगता है। डर लगता है भाई। हाँ, यूट्यूब पे। ये भाई जी अपना जा रहा है। कहाँ से आप? हम पंजाब से। पंजाब से आए ये सारे। इधर छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी तो डर लगी। हाँ, ट्रैवल लग रही। चलो अब। अच्छा वो आया उधर 007 यूकी ना, वो बंदा आया तो है उधर। बज रहे हैं 12 और हम पहुंच गए हैं दांडी। तो ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये दांडी ब्रिज है। ये दांडी ब्रिज है। हम दांडी पहुंच गए हैं तो यहाँ कुछ खाएंगे और इसके बाद पता नहीं आगे कुछ मिलता है, आगे क्या पड़ता है, सब मिलता है ना। हाँ, लेकिन पेट्रोल पंप जो होता है दांडी में ही मिलता है। मतलब मनाली के बाद जो पेट्रोल पंप मिलेगा वो दांडी में मिलेगा। तो पेट्रोल जो है इनफ लेके चले। फिर यहाँ पे बहुत भीड़ भी रहती है पेट्रोल लेने के लिए, तो पेट्रोल अपना इनफ लेके चले। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं कुछ खाने, फिर निकलेंगे आगे। हम दांडी ब्रिज पे रुके हैं और भाई के रेस्टोरेंट में ये नज़ारा है। पीछे से नदी आ रही है और भाई यहाँ बनाते हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैगी और चाइनीज मैगी और मोमोज देते हैं। और ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगा है, सही रीजनेबल है। आंटी देखो रोटी बना रही है कैसे। ये क्या है? ये मोमो बनता है। हां, इसमें मोमो की लोइस बनेंगे। अच्छा, फिर बनेगा। ये तो नया तरीका देख रहा हूं मैं। हां, ये मोमोज की लोई बन रही है। ये हैंड मेकर है ना, हाथ से। अच्छा, हाथ से बनाता है। तो देखो मोमो जैसे बनता है, खाली खाने का नहीं। ऐसा बनाते हैं वो। अच्छा, इसमें भर देंगे फिर। गिलास और भी काम में आता है। गिलास और भी काम में आता है। भाई अपना बना रहे हैं मैगी। वो कटिंग क्या किया है भाई ने, काटने का सामान देखो। और ये चाय मैगी, ये चाय बोल रही है। और भाई जी अपने बहुत प्यारे हैं, मस्त बातें करते हैं। बहुत ही मस्त बातें करते हैं। तो ये दुकान अब बिल्कुल क्या मैगी ये बन रहा है और बिल्कुल ब्रिज से बाजू में ही दुकान है। बहुत ही प्यार है। बाकी टेस्ट तो मैं बताऊंगा खाने के बाद। ब्रिज के बाजू में ही ना उनकी दुकान है, तो आ सकते हो। बहुत ही सस्ता है, 50 रुपए की मैगी है। और ब्रेड ऑमलेट कितने का भैया? 60 का ब्रेड ऑमलेट है। चाय कितने की? चाय 15 की। मतलब ऊपर से भी इधर सस्ता है, ऊपर 20 का दे रहे हैं, इधर 15 का है। तो चलो कुछ तो सस्ता दिखा। दो चीज़ें सस्ती दिखी मुझे, एक तो ज़िपलाइन और दूसरी चाय। दो चीज़ें सस्ती हैं इधर। भाई जी ने मस्त चाय बनाई है, मस्त। भाई जी चाय बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया चाय है ना। चाय का टेस्ट अभी तक मनाली से भी अच्छा है। मनाली में जितना हमने खाया ना उसे बहुत बढ़िया है। नाइस सर। कहाँ जा रहे हो? बारालाचा। Yes. साइकिल से। ओह माय गॉड, कहाँ से आ रहे हो? मनाली से। Yes. अरे वाह यार, गुड। थैंक यू। वेरी गुड यार। आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से। ओके। अरे वाह, ये देखो पंजाब से है। हाँ, पर मनाली से शुरू किया हमने।
थोड़ी यार भाई मानना पड़ेगा घट से यार। कितना टाइम हो गया चलाते हुए? आगे ले लो। हाँ दो साल हो गए शुरू किए हुए। नहीं अभी कितने टाइम में मनाली से यहाँ आ गए? कल शुरू किया था। और सोना कहीं भी टेंट लगा के सो जाते हैं? दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड यार पाजी, क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह, ये नरेंद्र सिंह भाई सही में सिंगो वाले काम कर रहे हैं ये। नाली से कब कल निकले सुबह? ये देखो इनकी साइकिल है। टांडी में अपना टेंट लगा के मस्त है। सही यार पाजी। टारगेट लद्दाख? आज नहीं, लद्दाख नहीं, हम जा रहे हैं बारालाचा। और अभी आज स्टे करेंगे हम जिंगजिंग बार, जिस पर दाचा से भी आगे। और कल फिर हम जाएंगे बारालाचा। वेरी गुड पाजी, गिव इट अप। थैंक यू सो मच, लव यू। आपका YouTube चैनल? जी। किस नाम से है? ट्रैवल नगरी। जी। हमारा है फ्रिकी राइडर के नाम से। अफ्रीकी राइडर के नाम से। राइडर्स या प्लीज इनको सब्सक्राइब करें यार, वेरी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं भाई। ओहो दिल खुश कर दिया मेरा। ट्रैवल नगरी ना? हाँ। अरे मेरा फोन ठीक है। थैंक यू। आपके पास है क्या? सो भाई लोग हम पहुंच गए हैं फाइनली जिप्सा में। और भाई जी का जो यहाँ पे रेस्टोरेंट है और ये टेंट भी लगाते हैं यहाँ पे, टेंट भी रेंट पे, मतलब दिखाता हूँ मैं पीछे आपको पहले, फिर भाई जी से बात करता हूँ। ये देखो ऐसे टेंट है यहाँ पे और बहुत ही प्यारा सा व्यू है। ये देखो यहाँ पे बॉनफायर वगैरह होता है और ये पीछे का व्यू मिलेगा आपको। बहुत खूबसूरत सी जगह में, बहुत ही खूबसूरत सी है। थोड़ा सा महंगा है बट देखो भाई साहब क्या बताते हैं, क्या प्रॉपर्टी है अभी तो। हाँ क्या है? नहीं है। हाँ नहीं है। अच्छा क्या बता रहा सर? टेंट का है 2500। एक टेंट मिलता है ना? एक टेंट तीन पर्सन के लिए। बाकी आपके लिए कर देंगे, बाकी हमारे लिए कर देंगे। सही है। तो यहाँ पे एक टेंट है, बाकी उसमें किचन, खाना पीना सब यहीं, खाना पीना सब कुछ यहीं पे। उसी में है कि अलग से? अलग से खाना पीना अलग से है। और वाईफाई वगैरह मिल जाता है? वाईफाई कौन से कनेक्ट करके मिल जाता है, मतलब जिसका अगर नहीं चल रहा है तो अपने फ़ोन का वाईफाई दे देते हैं ये, तो वो कनेक्ट हो जाता है। बहुत ही प्यारी सी जगह है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई जी का नंबर भी, तो आप उससे भी बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन भी बुक हो जाता है? ऑनलाइन भी बुक हो जाता है। तो मैं तो कहूँगा जो लोग मनाली आके रुकते हैं ना, तो थोड़ा सा दूर है, लाइक मनाली से कितना? 120 किलोमीटर है मनाली से। मनाली से 120 किलोमीटर है। और मैं तो कहूँगा यहाँ आके रुको, यहाँ जो सुकून है मनाली में नहीं है सीरियसली। हाँ बाइक लेना पड़ेगा आपको। हाँ। या यहाँ बस तो आती नहीं है? हाँ बस आती है, थोड़ा टाइम से आती है। यहाँ तक बस भी आती है? हाँ बस भी आती है, तो बस भी ले सकते हैं, तो बस सस्ता पड़ेगा आपको। बस से आके यहाँ रुके दो चार दिन, सुकून, कुछ लिखना हो, पढ़ना हो, आशिकी करनी हो, यहाँ आ सकते हो। चिल मौसम है ना, तो इधर बियर वगैरह भी मिल जाते होंगे। हाँ, सब है ना, बियर वगैरह भी मिल जाते हैं, तो इधर आ सकते हो। बहुत प्यारी जगह है। थैंक यू भाई जी। थैंक यू। ऐसे रूम है यहाँ पे, रूम नहीं बोल सकते, मतलब टेंट लगा हुआ है ऐसे, बहुत ही प्यारे से सी टेंट लगा हुआ है। ये देखिए ये टेंट लगा हुआ है और यहाँ पे हाय आंटी। हाय। ये आंटी साफ कर रही हैं, साफ सफाई आंटी ही रखती हैं। मैं आपको रूम दिखा देता हूँ कि कैसे आपको रूम मिलेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट सा गद्दा है, ब्लैंकेट्स है। अच्छा एक्स्ट्रा बेडिंग वाला है, एक्स्ट्रा बेडिंग मिल जाता है इसमें। और आपको ये देखिए कितना ही प्यारा सा रूम है, एक्स्ट्रा बेड आप उधर लगा सकते हैं। मैंने शूज़ पहने हुए हैं तो मैं नहीं जा रहा हूँ,
आपको लाइट्स मिल जाते हैं, बाकी सारी खूबसूरती है यहाँ पे, ठीक है। और आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ मैं, वाह पीछे से नाले वाले हैं, बहुत ही सुकून है, बहुत सुकून, जैसे जा भी सकते हैं आप बैठने के लिए, शायद पूछ के जा सकते हैं। तो खूबसूरती है, और सामने जैसे ही आप अपने टेंट से बाहर निकलोगे तो ये दिखेंगे पहाड़ आपको। तो 3 बज रहे हैं और हम जिस्पा से लौट रहे हैं, तो जिस्पा तक का सफर हमारा बहुत अच्छा रहा, और फिर अब मिलते हैं हम मनाली में, देखते हैं मनाली पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो अगर आप मनाली में हो तो जिस्पा तक के लिए बाइक लेके यहाँ तक आ सकते हो, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा। तो मिलते हैं हम मनाली में, ओके। तो ये दिल्ली से आते, हाय हाय हाय, क्या नाम है आप लोगों का? इंग्लिश ओनली, ओके। योर गुड नेम? ओके ओके, सो सी द बाइक, सॉरी बाइसिकल, अमेजिंग यार, अमेजिंग। एंड योर गुड नेम? भुवनश्री, भुवनश्री, ओके गुड यार। फ्रॉम मनाली टू ले, डोनेट भी कर सकते हैं इस पे, या यू कैन डोनेट, अगर किसी को डोनेट करना है तो इस पे डोनेट कर सकते हैं। हाँ राइट राइट, यू कैन डोनेट और पे फॉर नेचर, वेरी गुड, थैंक यू। सो सर आप लीड कर, ओके। तमिलनाडु सेलम सिटी, गुड। 5th time आई एम गोइंग टू ले, ले ले बाय साइकिल, गुड। विद इनके साथ? हाँ यार, दिस आर जूनियर्स, दे आर जूनियर्स, गुड यार। विच एकेडमी? 3D pedal cycling academy, see the board, see that one. Board, 3D pedal cycling academy, 3D pulls, good, that's good sir, thank you. 1 2 3 4 5 6 student Sunday, okay, good sir, nice to meet you sir, okay sir, thank nice you. To meet you, bye bye bye, okay. Bye bye, love you, bye. Best of luck, thank you, best of luck bro. Cool. Bye bye. Have a safe journey. Bye bye. कल 8 बजे हम बाइक लेके गए थे और वापस हमने सर को आज 8 बजे कर दिया है बिल्कुल, और इन्होंने पूरे जो डिपॉजिट के पैसे थे, ज्यादातर लोग परेशान करते हैं लेकिन सर ने परेशान नहीं किया, बाइक देखा और वापस कर दिया, तो हमें बाइक मिल गया, और सॉरी पैसे मिल गए मेरे, और मैं जा रहा हूँ फिर वापस कहीं और। मिलते हैं दूसरे सफर पे, बाय बाय, टेक केयर।